हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्जी राजस्थानी स्टाइल में विथ योगर्ट या दही। इसके लिए हमें चाहिए 2 आलू उबले हुए, मटर, जितने हम आलू लेते हैं उतने ही मटर ले लेते हैं, आप चाहें तो थोड़े कम भी ले सकते हैं, चिली, जिंजर और ये दही जो हमने विस्क कर लिया है, और साथ ही में ये हमारे मसाले हींग, मिर्ची, राई, हल्दी, जीरा, सब्जी पाउडर, धनिया और हमारा मिक्स। ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में तेल गरम करते हैं, और हमारा अब तेल गरम हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी राई और जीरा अब हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। नेक्स्ट हम डालते हैं थोड़े से करी लीव्स। इसके बाद हम डाल देते हैं चिली और जिंजर जो हमने क्रश कर दिया है और चिली के पीसेस कर दिए हैं, तो हिला लेते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। उसके लिए हमने पहले लिया है कटोरी में थोड़ा सा पानी, जिसमें हम मसाले सारे मिक्स कर देते हैं। इसमें डालिए 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून चिली। इसे मिक्स करके हम इसे पैन में डाल के और पका लेते हैं। हम इसे ढक कर पकाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्प्लैटर हो जाता है। फ्रेंड्स, इस सब्जी को बनाने के लिए आपको याद रखना है कि नमक आप सबसे लास्ट में डालते हैं, स्टार्टिंग में नमक बिल्कुल नहीं डालना है। ये हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं मटर। इसे 5 मिनट के लिए हम पकाते हैं और थोड़ा पानी भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और बीच बीच में चेक भी करते रहते हैं कि मटर पक गए हैं कि नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और मटर को चेक करते हैं कि ये पक चुके हैं कि नहीं। इसके लिए हम इसे पिचका के ऐसे देखते हैं। हाँ, देखिए ये पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर आलू डाल देते हैं जो हमारे बॉईल किए हुए और मैश किए हुए आलू हैं। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं साथ ही में और इसे मिक्स कर लेते हैं और पकाते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर हमारा जो विस्क किया हुआ दही है वो डाल रहे हैं और इसे मिक्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, वो ये है कि आपको दही को डालते टाइम इसको हिलाते रहना है, कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, और जब तक कि इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता आपको इसे हिलाते रहना है। 1 सेकंड के लिए भी आपको इसे हिलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। हमारी सब्जी में उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर सॉल्ट डाल देते हैं स्वादानुसार और थोड़ा सा गरम मसाला। हमारी सब्जी रेडी हो गई है फ्रेंड्स, अब हम इसमें धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर देते हैं। ये हमारी स्पेशल जयपुर की आलू मटर की सब्जी रेडी है फ्रेंड्स, आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।